हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, हमारी जो कल वाली वीडियो थी, जिस वीडियो का टाइटल था कि बजरी तोतों की मटकी में जब बच्चे हों तो हमें कैल्शियम्स और विटामिन्स का कोर्स कैसे करवाना चाहिए, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दी है कि बच्चे निकलने के बाद मटकियों में जब बच्चे होते हैं तब हमें कैल्शियम्स और विटामिन्स का कोर्स कैसे करवाना चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जब ये वीडियो मैंने कल अपलोड की थी तो इस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि भाई आपने ये नहीं बताया कि कितने दिन कोर्स करवाना है, आप कौन सा कैल्शियम्स और विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, डोज क्या देते हैं हमें भी बता। तो बिल्कुल, मैं आज की इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा कैल्शियम्स और विटामिन्स का इस्तेमाल करता हूं, कैसे करता हूं, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ वो करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अच्छे से वीडियो को देखें समझें उसके बाद। ऐसा ना हो कि मैंने बता दिया आप ले लें और फिर आप मनचाहा डोज देते हैं और फिर बर्ड्स को दिक्कत हो और आप फिर मुझे ब्लेम करें कि भाई आपने ही बताई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी वीडियो हो अच्छे से देखें, कंप्लीट देखें, पूरा देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद अपने बर्ड्स के ऊपर अप्लाई करें। तो दोस्तों, मैं जो कैल्शियम्स और विटामिन्स का इस्तेमाल करवाता हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको कैल्शियम दिखाता हूँ। ये है पेट फोर्ट, ये डॉग को दी जाती है कैल्शियम के लिए। मेरे पास भी डॉग है तो मैं उसको कंटिन्यू ये देता हूँ। तो इसको जब मैंने इस्तेमाल किया था तो इसका रिज़ल्ट मुझे बेहतरीन मिला, जो कि आप सभी के सामने है। आज से मैं ये इस्तेमाल नहीं करवा रहा हूँ, आप 2 साल पहले भी मेरी वीडियो को जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने इसी का जिक्र किया और अभी भी मेरे हाथ में है, इसका मतलब मैं इसका यूज़ कंटिन्यू करवाता हूँ। इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, आप सभी ने देखा मेरे बर्ड्स की हेल्थ आप सभी के सामने है। साइज़ आप देख, सभी बजरी तोतों की साइज़ भी आपने देखी होगी, उनकी फेदर साइनिंग भी आपने देखी होगी, अंडों की क्वांटिटी भी आपने देखी होगी और बच्चों को भी बहुत ही अच्छे से ये पालते थे, क्योंकि बर्ड्स अगर पेरेंट्स हेल्दी और फिट रहेंगे तो अंडे भी ज़्यादा देंगे, बच्चे जो निकलेंगे उनको भी अच्छे से पाल के बड़ा करेंगे। तो इसके ऊपर मेरा ट्रस्ट है, काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिल रहा है। दोस्तों, जब वो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो इसका मतलब वो सही है, इसका कोई मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके डोज के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसका मैं डोज जो देता हूँ वो 1 लीटर पानी में 5 ml, 1 लीटर पानी में 5 ml देना है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आपका अगर पानी ज़्यादा लगता है तो उस हिसाब से आप इसका डोज बना ले, पानी कम लगता है तब भी उस हिसाब से आप इसका डोज बना ले। फिर कमेंट्स बॉक्स में ये नहीं कहिएगा कि भाई मैं 100 ml पानी यूज़ करता हूँ, मैं 200 ml यूज़ करता हूँ, उस हिसाब से आप इसका डोज बना लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 5 ml कैल्शियम, ओरल कैल्शियम सस्पेंशन पेट फोर्ट, पेट फोर्ट इसका नाम है, स्क्रीन पर मैं आपको पिक दे दूंगा। अब इसका जो कोर्स मैं करवाता हूँ वो मैं पहले 3 या 4 दिन कैल्शियम देता हूँ, कैल्शियम 3 या 4 दिन कंटिन्यू देना है। फिर उसके बाद 1 या 2 दिन का आप गैप ले लें, फिर आपको देना है, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ आप देना चाहें या नहीं देना चाहें वो आपके ऊपर है। ये है मल्टीविटामिन A to Z, ह्यूमन मेडिसिन है, ये भी मैं काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। वाइमरल भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने वाइमरल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, इस बार मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे हो सकता है मैं वाइमरल का भी इस्तेमाल करूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी तक यही इस्तेमाल किया है A to Z। इसका जो मैं डोज देता हूँ वो है 1 लीटर पानी में इसका भी 5 ml ही जाता है, 5 ml से ज़्यादा ना करें, मेरा यही कहना है। 5 ml से कम कर देंगे, 4 ml भी देंगे तब भी ठीक है, 4 से कम होगा तो हो सकता है कि वो इतना काम ना करे, लेकिन 4 से 5 ml आप दे सकते हैं। तो ये है A to Z। अब वो कैल्शियम दिया मैंने 3 से 4 दिन, फिर 1-2 दिन का गैप लिया, उसके बाद मैंने ये दिया, इसका डोज मैंने बता दिया 1 लीटर पानी में 5 ml। फिर वही डोज आप बना ले, पानी कम देते हैं तो उस हिसाब से डोज बना ले, पानी ज़्यादा देते हैं तो उस हिसाब से डोज बना ले। तो कितने दिन तक इस्तेमाल करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 दिन कैल्शियम, 3 से 4 दिन विटामिन।
अब मैं जो अंतराल लेता हूँ, गेप लेता हूँ, वो कम से कम 30 से 45 दिन का मैं गेप लेता हूँ। इतना आप गेप ले सकते हैं। 45 दिन का भी आप अंतराल लेके कोर्स करवाएंगे तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी बर्थ के ऊपर। इसका ऐसा नहीं होगा कि बर्थ में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा भी हम बहुत सारे सॉफ्ट फूड देते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं। इनके पिंजरों में कैल्शियम ब्लॉक, कटलफिश बोन, चिकनी मिट्टी, लाहौरी नमक, ये सभी चीज़ें हम रखते हैं। तो जो हम सॉफ्ट फूड देते हैं उससे भी हमारे बर्ड्स को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद तो कैल्शियम्स और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स भी हमें देना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ दें, बहुत ज़्यादा दें, हर वीक में दें, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे ही देता हूँ, कम से कम मैं 30 से 45 दिन का मैं अंतराल लेता हूँ और इसका बर्ड्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता कि बर्ड्स में किसी तरह की कोई कैल्शियम की कमी हो गई या बर्ड्स वीक हो गए। आपने सभी ने देखा होगा। और अगर आप पहले से इस्तेमाल करवाते हैं वीकली और आपके पास सब कुछ सही चलता है तो आपकी इच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसी तरीके से कंटिन्यू करें। नहीं तो आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कुछ चेंजेस कर दें, क्योंकि लगातार अगर आप कंटिन्यू डेली बेसिस पर या वीकली देंगे तो इसका बर्ड्स पर जो है वो गलत इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। गलत इफ़ेक्ट ऐसे पड़ता है कि कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट ज़्यादा देने की वजह से जो बर्ड्स ब्रीड कर चुका होता है उसकी मटकी में अंडे बच्चे होते हैं, वो दोबारा ब्रीड पर आ जाता है, दोबारा हीट पर आता है और ब्रीडिंग करने के चक्कर में बच्चों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। जो मटकी बॉक्स में अंडे हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है, या अपनी मटकी को छोड़कर किसी दूसरी मटकी में भी वो अंडे देने के लिए वो मटकी चुन सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है। तो ये सब भी देखने को मिल सकता है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, मैं कैसे कोर्स करवाता हूँ और कौन से कैल्शियम्स और विटामिन्स का इस्तेमाल करता हूँ, ये मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी। आप चाहे तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले, आप अगर इनको इस्तेमाल करें और आगे रिज़ल्ट आपको अच्छे मिले तो बिल्कुल आप जो है अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।